now we will discuss national highways. Actually, we were just completed our national highway 44. We were completed that one particularly. In between, what is it and कौन कौन से नेशनल हाईवेज़ यहाँ पे मिलते हैं वो हम इसमें थोड़ा देख लेते हैं तो अच्छा ही रहेगा। तो एज़ वी ऑल नो कि नेशनल हाईवेज़ बेसिकली किसी भी स्टेट की लाइफलाइन होती है या ठीक है किसी भी कैपिटल को कनेक्ट करने के लिए या प्लेस को कनेक्ट करने के लिए या जैसे कि जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो उसको ज़्यादा ज़रूरत है ये रोडवेज़ की ताकि ईजीली असेस कर सकें वो। और ड्यू टू रेनफॉल कंडीशंस क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी नहीं होती और इसकी वजह से जो है रोड्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट यू नो मीडियम दे कैन ईजीली असेस द थिंग्स एंड ऑल्सो द पीपल्स हु वॉन्ट्स टू गो देयर। ओके सो नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट दिस नेशनल हाईवे। बेसिकली हम यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू करेंगे धीरे धीरे से। ओके तो नेशनल हाईवे 1A इज़ टॉकिंग अबाउट जम्मू कश्मीर का जो नेशनल हाईवे जो हमने पढ़ा था जो 300 किलोमीटर है लॉन्ग एंड एक्सट्रीमली ट्रेचर ट्रेन है मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि ट्रेन अच्छी नहीं है वहाँ की उबड़ खाबड़ ऐसे पहाड़ों में से निकलते हुए इस तरह से जो जो रास्ता होता दैट इज़ नॉट गुड। एक्चुअली वी कैन जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर ये थोड़ा साइड करिए कि जिस तरह से वो हमारी टोपोग्राफी होती है ना उनकी टोपोग्राफी बिल्कुल सही नहीं होती दैट पीपल कैन नॉट असेस द प्रॉपर प्लेसेस एंड इवन रिमेन क्लोज मोस्ट ऑफ विंटर टाइम जो होता है वो क्लोज ही रहता है एंड एवलांचेज एंड ये सभी देखने को मिलते हैं लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं। अगर नेशनल हाईवे 1 की हम बात करें अभी तो ये मर्ज हो गया 1A जो है हमारा मर्ज हो गया किसमें 44 में परंतु ये पहले तो था ना अभी भी है परंतु इसका नाम अब कह सकते हैं कि इसको 44 कहा जाता है परंतु नेशनल हाईवे 1A जो है बहुत कुछ हमें सिखा देता है एंड इसकी जो लंबाई है 300 किलोमीटर है ठीक है तो 300 किलोमीटर यहाँ पे इसकी लंबाई देखने को मिलती है हमें एंड विंटर की वजह से एवलांचेस लैंडस्लाइड इजीली वी कैन असेस फ्रॉम हियर एंड 4 लेन का जो है नेशनल हाईवे है एंड वी ऑल नो कि 300 किलोमीटर के आसपास इसकी वो लेंथ है। अब यहाँ पे अगर हम देखें जम्मू कश्मीर का जो है नेशनल हाईवे जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इसको नेशनल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कहा जाता है। इसके अंदर जो है 6 सबसेक्शंस देखने को मिलती हैं। 6 सबसेक्शन मीन्स टू से कि इसमें अगर हम देखें बेसिकली जम्मू से उधमपुर तक कितना रोड कवर कर रहा है 65 किलोमीटर चिनैनी से नौशहरी टनल जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो 9.2 किलोमीटर 9.2 किलोमीटर ये सब मिला के 300 हो जाएगा। हाँ डोंट गेट कन्फ्यूज एंड रामबन यहाँ पे अगर हम देखें रामबन से उधमपुर एक्चुअली जम्मू से उधमपुर उधमपुर से रामबन और इस तरह से जो है रास्ता को कवर करते हुए बनिहाल रामबन रामबन से लेके बनिहाल तक जो जाता है रास्ता ये सभी ये इसमें बता रहा है कि इसको सब सेक्ट कर दिया गया है। एक्चुअली अगर 300 किलोमीटर यहाँ पे लॉन्ग है तो कहाँ कहाँ से शुरू है एक्चुअली जम्मू से शुरू है ठीक है बेसिकली बेसिक अगर हम बात करें कठुआ एक मतलब कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट हो गया सांबा हो गया उधमपुर रोड पे जाते हुए आप चनैनी नौशहरी टनल देखते हैं फिर रामबन उधमपुर फिर इसमें बनिहाल से रामबन और श्रीनगर से बनिहाल और काजीकुंड और बनिहाल टनल ये सभी इसके जो हैं सब पार्ट कह सकते हैं या सब प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं इस नेशनल हाईवे का जम्मू श्रीनगर हाईवे का। कहते हैं इस जो हाईवे है ये जो हाईवे है इसमें 12 शॉर्ट टनल्स हैं मतलब कि बेसिकली लॉन्ग टनल जो है वो 9.5 किलोमीटर चनैनी और नौशहरी वाला ही है और जो बेसिकली जो छोटे छोटे जो जसरोटा में आ गया या जब हम वैष्णो देवी का ट्रेवल करते हैं तो बीच बीच में जो सुरंगें हमें देखने को मिलती है दैट इज़ 12 शॉर्ट टनल उसमें हम गिन लेते हैं तो बेसिकली यहाँ पे 12
शॉर्ट टनल्स देखने को मिलती है एंड यहाँ पे 34 जो है ब्रिजेस देखने को मिलते हैं। वो बायोडक्ट भी वही होता है, ब्रिजेस होते हैं, फिर लॉन्ग ब्रिजेस होते हैं लाइक डैम की तरह, लंबे लंबे बंज होते हैं इस तरह से, और इस तरह से बनाए होते हैं स्ट्रक्चर्स, और यहाँ पे पुल बनाया होता है, इसको कहते हैं बायोडक्ट। ओके सो दिस इज़ द बेसिक नेशनल हाईवे 1A जो है वो बताता है, एंड इट विल रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन टू कैपिटल सिटीज़ जम्मू एंड श्रीनगर। एक्चुअली जो ब्रिजेस होते हैं, सॉरी जो ब्रिजेस होते हैं, बेनिहाल काजीकुंड टनल हो गया और हमारा चनैनी अनुशाही टनल हो गया, ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल है हमारे जो टाइम को बचाते हैं, हमारे डिस्टेंस को बचाते हैं, वी ऑल नो। आगे बढ़ लेते हैं, तो नेशनल हाईवे वन ए हो गया, 1B की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ चलता है, इसकी जो लेंथ है वो 274 किलोमीटर है, एंड ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, बटोट से लेके कान्हाबल तक जाता है, और कहाँ से होता हुआ जाता है, डोडा से होता हुआ। तो बेसिकली बटोट जो है वो चनैनी नौशहरी टनल जहाँ पे ख़त्म होता है, बटोट वहाँ से शुरू होता है एंड कान्हाबल तक जाता है, और बीच में हम देख रहे हैं यहाँ पे डोडा देखने को मिलता है। ओके तो बेसिकली ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि कहाँ कहाँ से होता हुआ जा रहा है, हमें ये शहरों के नाम या टाउन एरियाज पता होने चाहिए, बटोट हो गया, कान्हाबल कहाँ पे पड़ा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ा, अब डोडा इससे होता हो जा रहा है, मतलब कि इसमें डोडा भी आ रहा है, किश्तवाड़ भी हमें देखने को मिलता है, सिमथल पास तक ये हाईवे जाता है। ये नेशनल हाईवे जो है वो बहुत ही बेसिकली ये माउंटेनियस एरिया में है, वी ऑल नो दैट माउंटेनियस एरिया में वी कांट ईजीली, डर रहता है वहाँ पे चलने फिरने का, या जैसे कि जैसे रोड अगर नैरो है तो यहाँ से जो गाड़ी है वो उसका तो डर ही रहता है किस तरह से जाएगी या नहीं जाएगी। तो बटोट, फिर कान्हाबल, डोडा से होते हुए किश्तवाड़ एंड फिर सिमथन पास, ये नेशनल हाईवे 1B है। दिस नेशनल हाईवे 2 रन्स थ्रू माउंटेनियस एरियाज, बहुत पहाड़ों के बीच से होता हुआ निकल गुजरता है, इसलिए ये काफ़ी हद टाइम तक जो स्नोफॉल होती है विंटर्स में तो वहाँ तो क्लोज ही रहता है। आगे हम बढ़े IC, नेशनल हाईवे 1C। तो नेशनल हाईवे 1C जो है दोमल से लेके कटरा की बात करता है, ठीक है, नेशनल हाईवे है, इसकी जो लेंथ है वो 8 किलोमीटर, बहुत ही कम, 8 किलोमीटर तक ही इसकी जो लेंथ है बताई गई है, और ये करता है हमें रोड प्रोवाइड करता है, और ये रोड जो है डायरेक्ट हमें कटरा से हम डायरेक्ट जो है जो टिटकुटा हिल्स में जो केव है बेस कैंप देता है उसको, बेस कैंप जो है श्री माता वैष्णो देवी का जो बेस कैंप है वहाँ पे, ये रास्ता जो है नेशनल हाईवे 1C जो है वो हमें पहुँचाता है, दोमल से शुरू होती है कटरा तक जाती है, 8 किलोमीटर की यात्रा है, ये हमें डायरेक्ट बेस कैंप पे पहुँचाती है जहाँ पे जो यात्रीगण वहाँ से निकलना शुरू करते हैं, चढ़ाई करते हैं, बेस कैंप उसको कहते हैं। ये जो नेशनल हाईवे है IC जो है वो किस में मिलता है हमें, नेशनल हाईवे 1A में ही इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये जो हाईवे 1A है उसमें ही ये आ जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, दिस हाईवे इज़ कंसिडर्ड ऑफ शूट, ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक थिंग्स। हम यहाँ पे फैक्ट्स की बात करेंगे तो फैक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेशनल हाईवे 1D, तो नेशनल हाईवे 1D की बात करें तो ये जो है इट कनेक्ट्स द समर कैपिटल श्रीनगर विद ले। देखिए जो 1D है ना नेशनल हाईवे, कुछ एक ही एकमात्र समर्स में, ठीक है, बेसिकली हमने ये भी पढ़ा था जेड मोर टनल जिसमें एक जाने का रास्ता एक आने का रास्ता, दूसरा हमने पढ़ा था जोजिला टनल जो अभी बन रही है, और ये दोनों बन के तैयार हो जाएंगे, 26 में बनेगी और 23 में तैयार हो जाएगी। ओके
हो गई है, बस इसको इनाग्रेट करना है। एक्चुअली जो हाईवे 1D है वो क्या करता है, सिर्फ समर्ज में क्या करता है श्रीनगर को, श्रीनगर में जो हमारे जो हाईवेज हैं वहाँ से श्रीनगर से लेह तक जाता है, एक्सट्रीम एंड जो है जम्मू कश्मीर जो है चाइना तक इसको कनेक्ट करता है। ये एक ही ऐसा मात्र वन रोड है जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है लद्दाख के साथ, इंटायर लद्दाख के साथ एक ही ऐसा रास्ता है जो प्रोवाइड करता है। अगर हम और रोड्स की बात करें तो बहुत सारे नेशनल हाईवे रोड्स हैं जिसकी लेंथ थोड़ी थोड़ी होंगी परंतु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे 3 न्यू हो गया, 144, 144A हो गया, 301 हो गया, 44, 444, 501, एंड दीज आर आर द नेशनल हाईवेज, वी न्यू नेशनल हाईवेज वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस पिक्चर। 701 हाईवे हो गया, 3, 184, 184 में क्या बोलते हैं इसको, एनी वेज वॉट एवर इट वॉज इन वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स हियर। बसोली ब्रिज किसे कहते हैं भाई, ये जो ब्रिज है वो नॉर्थ इंडिया का पहला सब ब्रिज है जो कितना किलोमीटर मीटर है, 592। अब देखो टनल अभी तक हमने बात की थी टनल्स की, तो ब्रिज की बात हमने नहीं की, तो ब्रिज बहुत ही लंबा क्या कह सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 592 है, एंड जो है ये किस रिवर पे है, रवि रिवर पे। रावी रिवर जो है पठानकोट या बसोली के बीच में जो पड़ती है वो वहाँ पे जो है ये बसोली ब्रिज बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें तारों का यूज़ किया गया है। बसोली एरिया जो है वो कठुआ में आता है, वी ऑल नो। इस ब्रिज जो है उसकी जो स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंस है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे किसी ने अटैक कर दिया तो हम इजीली वी कैन असेस द ट्रूप्स फ्रॉम देयर, यू नो JNK की ट्रूप्स आ जाएगी वहाँ पे, पंजाब की भी आ सकेगी इजीली, वी पीपल कैन असेस द प्रोसीजर। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पेज आता है पठानकोट जम्मू श्रीनगर हाईवे, जो जो ये हाईवे जिसकी हम बात कर रहे हैं जम्मू श्रीनगर हाईवे की 44 की, ये हमारा कन्याकुमारी से आ रहा है, तो पंजाब का एरिया जो है पठानकोट से शुरू होने वाला एकमात्र ठीक है 44 ही कहलाता है। और मेनली ये जो है ये जो हाईवे है कश्मीर की को जोड़ता है रेस्ट ऑफ द कंट्री के, किसी भी किसी भी असम या नागालैंड, नो असम या नागालैंड, यहाँ हो गया हमारा केरला हो गया, या हमारा तमिलनाडु हो गया, वो कोई भी अगर आना चाहें तो इस रूट से इजीली कनेक्ट विद कश्मीर। ओके सो दैट इज़ द बेसिकली मीनिंग ऑफ दिस एरिया। तो डिफेंस मिनिस्ट्री एंड जो JNK की जो आर्म फोर्स है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे कश्मीर में इस रोड्स के माध्यम से हेल्प करती है, एंड ये तो बस ये बेसिक थिंग्स है, वी हैव टू अंडरस्टैंड बाय दिस फीचर्स। कहते हैं जो पहला ऐसा केबल स्टेड ब्रिज था वो कहाँ पे था, कोलकाता में हुआ था, हुगली में, जिसका नाम था विद्यासागर सेतु, परंतु उसके बाद फर्स्ट के बाद 3 और केबल बनाए गए, केबल स्टे ब्रिज बनाए गए, और फिफ्थ ऐसा ब्रिज है ये हमारे जम्मू एंड JNK UT का जो है बसोली ब्रिज, जिसको फिफ्थ केबल स्टे ब्रिज इन कंट्री का तवज्जो दिया जाता है, फिफ्थ केबल स्टे ब्रिज इन कंट्री। सो बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट केबल स्टे ब्रिज क्या होता है, इसमें केबल्स लगी हुई हैं, ऐसी केबलें जो एक ब्रिज को खड़ा करने में सक्षम है। अभी 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 हम पढ़ के आए हैं नेशनल हाईवे 1A जो पंजाब से बॉर्डर कठुआ, फिर सांबा, जम्मू, उधमपुर, पटोट, रामबन से होता हुआ कानापुर, अवंतीपुर, पंपोर, श्रीनगर से पट्टन के रास्ते बारामूला, उड़ी पे तक जाता, उरी तक जो जाने वाला एरिया है ये सारा जो होता है नेशनल हाईवे 44 में जो हुआ है, एंड इसको 1A कहा जाता था पहले, और इसकी जो लेंथ है 534 है।
अगर हम दूसरे हाईवे की बात करें जो बटोट से लेके कानावल तक जाता है वो 274 इसकी जो है लेंथ है। आईसी तो हमने पढ़ ही लिया है जो दोमल से शुरू होता है कटरा जो होली प्लेस है वैष्णो देवी की वहाँ तक जाता है 8 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर यहाँ 15 तक है। दिस इज़ बेसिकली मिस फ्रेंड एंड वी कॉन्ट अंडरस्टैंड दिस इज़ बेसिकली यू नो आइडिया कि किस तरह से आप प्लान कर सकते हो। एंड फोर्थ हमने पढ़ा कि श्रीनगर से एकमात्र रास्ता रोड इन समर्स ओनली वो है हमारा आई नेशनल हाईवे आईडी जो एकमात्र एरिया। अब यहाँ पे 2 टनल और बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से श्रीनगर से लेह तक जाने में इजीली वी कैन असेस इन विंटर्स ऑल्सो, सो दैट इज़ द बिग डील। और यहाँ पे कितनी इसकी जो है लेंथ है तो 422 किलोमीटर। अब ये जो है न्यू न्यू जिसमें आपके आगे देखने को मिल रहा है जैसे कि 3 न्यू 3 हो गया, 144A हो गया, 244A हो गया, 301 हो गया, 501, 444, 701, ये सारे न्यू न्यू कैटेगरीज में कह सकते हैं। फिर आगे आता है कि इनकी जो लेंथ है वो और सबसे जहाँ नेशनल हाईवे 1 से लेके जो डी तक है ठीक है तो उनसे काफ़ी ज़्यादा है, वी कैन अंडरस्टैंड। सो देर वी हैव टू गो अंडरस्टैंड विद दिस 3 न्यू इज टॉकिंग अबाउट हिमाचल प्रदेश से के बॉर्डर से सीधा लेह में पहुँचता है तो 170 किलोमीटर हो गया। फिर वी हैव 144A हो गया जो दोमल से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है पौनी पौनी जंक्शन विद NH 144 नियर बमला। ये तो बेसिक है, ये रोड जो है ज़्यादा फेमस तो नहीं है बट पूछ लिया जाए तो फिर इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। 244 न्यू जो है जम्मू से शुरू होता है भाई अखनूर होते हुए नौशहरा, नौशहरा जो है वो कहीं ना कहीं मीरपुर वाला जो POK वाला रीजन है पाकिस्तान का वहाँ देखने को मिलता है, और नौशहरा जो है वो राजौरी में ही पड़ता है। फिर हमारा जाता है राजौरी से ऊपर मतलब तो पहाड़ों वाले क्षेत्र में पुंछ में, तो इस तरह से 244 न्यू जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है 301 जो कारगिल से लेके जंस्कर रोड तक जाता है, इसकी लेंथ भी काफ़ी है। और 501 हो गया हमारा जंक्शन नेशनल हाईवे 1, और 45 से लगे चंदवाड़ी पहलगाम बटाकट अब मार्टन कहाँ पे हो सकता है अवंतीपुरम, क्योंकि अवंतीवर्मन ने ही मार्टन सन टेम्पल को बनाया था। तो ये एक्चुअली दिस रूट इज़ बेसिकली फॉर द अमरनाथ यात्रीज लाइक पंचतरणी में हमने सुना है, चंदवाड़ी सुना है, पहलगाम से वो बेस कैंप से शुरू होते हैं। तो इस तरह से जो है हम आइडिया ले सकते हैं कि वहाँ से इस तरह से जो है हमारे नेशनल हाईवेज होंगे। 444 न्यू जो है वो श्रीनगर से शुरू होता है, मतलब श्रीनगर जो है शोपियाँ के ऊपर पड़ता है, बडगाम में जाता है, पुलवामा में, फिर शोपियाँ में, कुलगाम में, मतलब कि ये ऐसे घूमता रहता है ये। अगर श्रीनगर यहाँ पे है तो यहाँ से जाएगा, फिर हमारा बडगाम आएगा, बडगाम से हमारा पुलवामा आएगा, पुलवामा में हमारा शोपियाँ आएगा, शोपियाँ से हमारा कुलगाम आएगा, इस तरह से ट्राइंगल बनता जाता है नीचे। तो ये हमारा हो गया 444। 701 की बात करें तो बारामूला जो है राफियाबाद से शुरू होता है, बारामूला सिर्फ जो सबसे पहाड़ों में क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है बारामूला, और राफियाबाद भी है और कुपवाड़ा के ठंगर में थंगदर कह सकते हैं। टोटल अगर देखें इन हाईवेज की जो लेंथ है 206.01, तो दिस इज़ एन 8 हाईवेज बेसिकली हमें पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। लाइक ये जो न्यू है वो हमें याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी बट 1 से लेके जो डी तक है वो इट इज़ ईजी क्योंकि वो उसी में हमें देखने को मिल जाते हैं। आगे हम रोड की बात करें तो रोड्स बहुत सारे रोड्स हैं छोटे 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 मतलब कि ज़्यादा नहीं, इनकी जो 300 से जो ज़्यादा थे वो हमने पहले ही पढ़ ली।
अब हम स्मॉल स्मॉल रोड्स देखेंगे जो कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करता है श्रीनगर में। तो श्रीनगर हमारा पड़ता है बीचों बीच, श्रीनगर से स्पोर हो गया, ऐसा रोड हो गया, लाइक इस तरह से कौन कौन से यहाँ पे तीतवाल, तिसलवाल, हंदवाड़ा, तहरगान, चोईबल, ये सभी जो है वो हमारे रोड्स हैं। फिर हमारा जेलम वैली रोड जो है वो 133 किलोमीटर है। ज़्यादा इनकी किलोमीटर हमें नहीं देखने को मिलेंगे, जो हमें देखने को मिलेगा हम बता देंगे आपको। जेलम वैली जो रोड है जो श्रीनगर से बारामूला को जाता है, वो बारामूला से उड़ी की तरफ जाता है। दिस इज़ ऑल्सो एन नेशनल हाईवे, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट छोटा ही है, पर बेसिकली है तो। और ये हमारा इट इज़ एन नेशनल हाईवे। इधर उधमपुर रोड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली इट इज़ यूज फॉर द डिफेंस रोड कनेक्टिविटी, एंड इधर को कनेक्ट किया गया उधमपुर से, और इस रोड को बेसिकली डिफेंस वाले यूज़ करेंगे, ऐसा कह सकते हैं। अगर जम्मू पुंछ रोड की बात करें नेक्स्ट, हमें यहाँ पे बात करें जम्मू पुंछ रोड की, तो ये 230 किलोमीटर है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है, ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रेकमेंड करता है, जैसे इधर उधमपुर हो गया वैसे ही जम्मू और पुंछ भी हो गया। एक्चुअली अगर हम देखें, पुंछ हो गया हमारा रामबन, रियासी, रजौरी वाले एरिया, सॉरी रजौरी हो गया, तो ये सारे एरियाज पहाड़ी क्षेत्र हैं। यहाँ पे इजीली पीपल कैन यू नो टेररिस्ट एक्टिविटीज इजीली देखने को मिलती है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे लोग इजीली असेस नहीं कर सकते। और जो असेस कर रहे होते हैं, यहाँ टेररिस्ट पीपल्स कमिंग हियर एंड स्मगलिंग, यू नो हर दिन हम देखते हैं न्यूज़ में बहुत सारे जो है आर्म एम्यूनेशन हमें देखने को मिलती हैं, पकड़े जाते हैं कितने सारे आर्म के साथ, है ना, वेपन्स के साथ। और ऑल्सो टेररिस्ट को मतलब कि झड़प चलती ही रहती है पुलिस वालों और जो है टेररिस्ट के बीच में। तो दिस इज़ एन यू नो बेसिकली प्लेनर एरिया में हमें देखने को नहीं मिलेगा। जम्मू एरिया में देखो या उधमपुर वाले एरिया में देखो, या आप पीछे आ जाओ सांबा आ जाओ कठुआ आ जाओ, तो दिस इज़ ऑल आर द प्लेनर एरियाज, हियर वी डोंट फाउंड एनी काइंड ऑफ दिस इलीगल एक्टिविटीज़, लाइक यू नो आर्म्स एम्यूनेशन का स्मगलिंग हो रहा है, एंड पीपल आर घुसपैठियाज आर कमिंग हेयर एंड ऑल्सो डिस्ट्रक्टिंग द यू नो अमन शांति को बर्बाद करने आते हैं। तो बेसिकली ये श्रीनगर जैसे शोपियाँ हो गया, तो ये एरिया तो बेसिकली यहाँ पे लोग खेतियाँ बड़ियाँ होती हैं, परंतु इस तरह से जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं इसको रोकती हैं या डर पैदा करती है औरों के बीच में, कि लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते। तो श्रीनगर शोपिया रोड जो है वो 53 किलोमीटर है, और इसकी जो ब्रांच है वो पम्पोर से दूर है। आगे अगर हम बात करें श्रीनगर बालटाल रोड की, तो बालटाल हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हम अमरनाथ जाते हैं तो हमें दो रास्ते देखने को मिलते हैं, जैसे श्रीनगर से बालटाल और जो श्रीनगर से पहलगाम की, दो रास्ते होते हैं, एक पहलगाम और बालटाल से। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है यहाँ, ठीक है, कि श्रीनगर से पहलगाम जाने वाली जो रोड है वो कितने किलोमीटर है, ज़्यादा है कम है। बालटाल से लोग जाना पसंद करते हैं कहीं ना कहीं। ये अगर ये हम इसकी बात करें बालटाल रोड श्रीनगर की, तो ये गांदरबल से होता हुआ सिंध नाला है ना, उसके आगे ही पड़ता हुआ, तो उसको कवर अप करता है। अगर श्रीनगर वाइल रोड की बात करें, तो ये अच्छाबल को पास करता हुआ कोणार्क नाग जो है उसको, एंड ये 85 किलोमीटर लॉन्ग है। श्रीनगर पहलगाम रोड जो है वो 98 किलोमीटर लॉन्ग है, और इसके जो श्रीनगर पहलगाम रोड है वो बेसिकली यहाँ से अनंतनाग से पास होता हुआ मट्टन फिर हमें पहलगाम पहुँच जाता है। और ये जो है बेसिकली ये रास्ता अमरनाथ केव के लिए ही स्पेशली स्पेशलाइज किया गया है। श्रीनगर बांदीपुर की बात करें, अगर हम बात करें इस रोड की, तो बेसिकली हम जम्मू के बता सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से रोड्स हैं,
या कितने हाईवेज हैं। बेसिकली हम मेजर रोड्स की बात कर रहे हैं, तो श्रीनगर का जो नेटवर्क है रोड्स में, तो वो हमें देखने को मिलेगा। एंड बेसिकली हमें जम्मू का तो पता चल जाएगा यहाँ के हम इनहेबिटेंट्स हैं, परंतु जो है यहाँ पे अगर कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस या यू नो रोड्स कहाँ हैं ये हमें पता होनी चाहिए, वो हमें नहीं पता है, वो हमें इस बुक से या और किसी से पता चलता है। तो आगे बढ़े श्रीनगर बांदीपुर देखें तो 56 किलोमीटर जो है वो यहाँ पे है, और इसमें सुंबल सुंबल मानसर लेक और सफरपुर आज़ाद ये सभी यहाँ से पास आउट तो होते हैं बांदीपुर तक जाने तक का। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है बांदीपुर से 33 किलोमीटर जो है लॉन्ग है रोड है। एंड आगे बढ़ें तो गुलमर्ग, तो आप सभी को पता है श्रीनगर में अगर आप जाते हो बेसिकली सोनमर्ग गुलमर्ग ये सभी बर्फबारी इलाके में आप ज़्यादा जाना पसंद करते हो, ये सेफ भी हैं कहीं ना कहीं टूरिस्ट यात्रियों के लिए। एक्चुअली पीपल आर नॉट फ्रॉम द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देर आर नॉट कमिंग अप हियर टू यू नो तो यहाँ में नहीं आएंगे वो। ये जो कनेक्टिविटी है श्रीनगर और तंग मार्ग जो है एंड गुलमर्ग टूरिस्ट प्लेस है हमने बात की अभी, तो ये इनको कनेक्ट करता है। मुगल रोड की बात करें तो यहाँ पे नूरजहाँ जो थी वो मतलब कि एक रानी की तरह एम्प्रेस की तरह जाती थी, और वो उसी का रोड था और किसी के लिए पब्लिक के लिए अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। मुगल रोड जो है 85 किलोमीटर था एंड इसको ऑपरेशनल आफ्टर 6 डिकेड्स के द्वारा किया गया। मतलब कि पहले वो कहाँ थे 6 डिकेड्स के पहले जब वो थी है ना, तो वुल्फ्लाज वुल्फ्लाज कह सकते हैं, वुल्फ्लाज टू श्रीनगर। नूरजहाँ यूज्ड टू ट्रेवल बाय दिस रोड, वी ऑब्वियसली वी हैव टू अंडरस्टैंड जहांगीर ने ये बनाया होगा नूरजहाँ के लिए, भाई आपके ही कदम यहाँ पे जा सकते हैं आप नहीं जा सकेंगे। तो चिनानी नशरी टनल तो आपको पता ही होगा कि ये शिवालिक माउंटेन रेंजेस में पड़ता है एंड ये इंडिया का लॉन्गेस्ट वेदर रोड टनल है, कि हर टाइम चलने वाला रोड टनल है। अगर आपको सर्दियों में आपको चिनैनी जाना है सॉरी नशहरी जाना है, तो आप इस टनल्स के थ्रू आप वहाँ इजीली कैन यू कैन असेस राइट ओके। तो 2017 में इसको ओपन किया गया था, इसके रास्ते में हमें पत्नी का आप देखने को मिलता है, खुद देखने को मिलता है। वो तो रेलवे जो है वो हम देखेंगे अनादर वीडियो में, एयरपोर्ट्स तो हमें पता ही है एयर में कितना ही प्रोग्रेस नहीं है। बात की गई है उड़ान स्कीम के द्वारा कि भाई यहाँ पे कोई जो है ना पोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा, परंतु अभी तक जो हमें देखने को मिला है जो एक बडगाम बेस एयर बेस है और एक सतवारी आरसपुरा के पास आरसपुरा के रोड पर हमें देखने को मिलता है जम्मू एयरपोर्ट जो कि एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। दैट्स इट, दिस इज़ इट फॉर द दिस वीडियो, वी गोना कंटिन्यू विद टुमारो। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, बाय बाय।